अरे वाह, गांव में रिक्शा दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली है। मैं इसमें हिस्सा लूंगा और अपने बच्चों की सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। चमन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाता है। गांव का गुंडा कलुआ उसे देखकर, मैंने पहले भी कहा था चमन, इस प्रतियोगिता में केवल मैं भाग लूंगा। मेरे आगे कोई होगा ना पीछे, यानी कि विजेता भी मैं ही बनूंगा। ये बात ठीक नहीं है भैया, हम लोग गरीब हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। सरकार ये दौड़ गरीबों के लिए ही करवाती है। तो तू मानेगा नहीं, अभी तेरा दिमाग ठीक करता हूँ। कल्लू चमन का रिक्शा पूरी तरह से तोड़ देता है और उसकी पिटाई भी करता है। दीदी, कल्लू दादा ने पापा का रिक्शा तोड़ दिया है। पापा की तबीयत बहुत खराब है, अब क्या होगा? घर में दवाई लाने के भी पैसे नहीं है। अरे चुन्नू, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूँ ना, मैं कुछ करूँगी। अरे बिटिया रहने दे, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम दौड़ जीत जाते हैं तो कुछ पैसे घर आ जाते। पापा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और ये दौड़ तो हम जीतेंगे ही। सुखिया गांव के महाजन के पास जाती है और कहती है, चाचा पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमारा रिक्शा भी टूट गया है, आप मुझे रिक्शा बनवाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। अरे तेरे घर में ऐसा कौन है जो रिक्शा चलाएगा? तू चलाएगी? मैं कोई पागल हूँ जो अपने पैसे तुझे दे दूँ? तू बता वापस कहाँ से करेगी, चल भाग यहाँ से। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ। उदास सुखिया घर जा रही थी कि सामने उसे एक औरत दिखाई पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। अरे अम्मा जी, आपको क्या हो गया, लाइए आपको घर मैं पहुँचा देती हूँ। भगवान तेरा भला करेगा बेटी, मेरा घर पास में ही है। सुखिया औरत का हाथ पकड़कर उसे घर पहुंचा देती है। अरे आपका घर तो बड़ा ही कमाल का है, चारों तरफ बांस की बनी चीजें लगी हुई हैं। बांस की कुर्सी, बांस का बिस्तर, बांस की मेज, यहाँ तक कि बांस के बर्तन भी। बेटी, मेरे पति की मौत बहुत दिन पहले हो गई थी, वो विरासत में मेरे लिए बस बांस का जंगल छोड़ कर गए हैं, तो बस मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। तू इतनी उदास क्यों लग रही है, मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, गांव में रिक्शा दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, लेकिन गांव के गुंडों ने हमारा रिक्शा तोड़ दिया और हमारे पापा को भी घायल कर दिया है। रिक्शा ठीक करवाने के लिए मुझे कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। बेटी, इस तरह हिम्मत नहीं हारी जाती, अगर पैसे ना हो तो दिमाग से काम लेना चाहिए। अच्छा चलती हूँ, कल आपसे मिलने फिर आऊंगी, अपना ध्यान रखिएगा। सुखिया जब औरत के घर से निकलकर बाहर जाती है तो उसे कल्लू दिखाई देता है। ये देखो चमन की बिटिया, लगता है घर घर झाड़ू पोछा का काम कर रही है। कहा था मुझसे पंगा मत लेना, बड़ा आया दौड़ जीतने वाला। सुखिया घर आ जाती है और मन ही मन कल्लू को सबक सिखाने की सोचने लगती है। अचानक उसे ख्याल आता है, क्यों ना वो भी बांस का रिक्शा बनाए। अगले दिन, माँ जी आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी, मैं भी बांस का रिक्शा बनाऊंगी। सुखिया, तू मेरे घर के पीछे ही अपना रिक्शा बना ले, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना कल्लू फिर से निरीक्षक को नुकसान पहुंचा देगा। सुखिया अपने भाई की मदद से बांस काटती है और बांस का रिक्शा बनाती है। अरे महाजन, प्रतियोगिता करने की क्या जरूरत है, सीधे साधे सरकार की तरफ से आया हुआ पैसा मुझे दे दो, कौन आएगा मुझसे मुकाबला करने। अरे चमन ने भी तो दौड़ में अपना नाम लिखवाया हुआ है, अरे उसका और उसके रिक्शे का तो पहले से ही काम तमाम हो चुका है, अब ज्यादा बातें ना करो और मुझे इनाम की रकम दे दो। दोनों बातें कर रहे होते हैं तब तक अचानक रिक्शे की घंटी की आवाज आती है और वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सुखिया बांस के रिक्शे को चलाती हुई मैदान में आ जाती है। कल्लू भैया और महाजन चाचा, सारे गांव वाले साक्षी दौड़ का मुकाबला तो करवाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तेरा रिक्शा तो बिल्कुल जादुई लगता है, बांस की सीट, बांस के पहिए, बांस का हैंडल, कमाल है। तो इस खिलौने जैसे रिक्शे से मेरा मुकाबला करेगी? महाजन जी मुझे मंजूर है, दौड़ शुरू करवाइए। रेस शुरू हो जाती है। बांस से बना होने के कारण रिक्शा काफी हल्का होता है। सुखिया का रिक्शा गांव की पथरीली सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगता है।
ये सुखिया तो मुझसे आगे बढ़ती जा रही है, मैं लड़की से नहीं हार सकता। कल्लू अपने गुंडों को इशारा करता है, वो सड़क पर लोहे की कीलें भेज देते हैं, लेकिन बांस के पहिए होने के कारण सुखिया के रिक्शे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लो कल्लू चाचा, मैं तो दौड़ जीत गई, अब क्या कहते हो? क्या कहूँ बिटिया, अब तो यही कह सकता हूँ कि अकल से बड़ा कोई नहीं होता। मैं तुझसे हार मानता हूँ महाजन जी, जीत की रकम सुखिया को ही मिलनी चाहिए। बिटिया तूने तो मेरा मान बढ़ा दिया, वरना मैं सोचता था कि तू लड़की होकर कुछ नहीं कर पाएगी, पर तूने तो मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अरे पापा, ये दीदी का जादुई रिक्शा ही अब हमारा परिवार चलाएगा, जय हो जादुई बांस के रिक्शे की। सभी लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं और फिर कल्लू कभी चमन को परेशान नहीं करता। गरीब बॉयफ्रेंड बांस की कार। मीनू और रितेश पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जहां मीनू रही इस घर की है, वहीं रितेश गरीब परिवार से है। अब उन लोगों की उम्र शादी के लायक हो गई है और एक दिन मीनू रितेश से कहती है, मुझे भूल जाओ रितेश, मेरे पापा इस शादी को मंजूरी नहीं देंगे, अब तो वो मेरे लिए लड़का भी देख रहे हैं। ये क्या कह रही हो, तुम तो मेरे बिना रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने तो सोचा था कि इतने वक्त में तुम कुछ ना कुछ करके कमा लोगे और हमारी हैसियत के बराबर आ जाओगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, भूल जाओ मुझे। मीनू वहाँ से चली जाती है और रितेश गुमसुम रहने लगता है, न किसी से कुछ कहता है न ही किसी से मिलता है। एक दिन उसके बचपन का दोस्त आशीष उससे मिलने उसके घर आता है। यार बहुत दिन हो गए तुझसे मिले, तेरी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गया। तू इतना घुमसुम सा क्यों है, आजकल तो तू मुझे कॉल भी नहीं करता है, लगता है सारा वक्त भाभी को ही देता है। क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। रितेश आशीष को सारी बातें बता देता है। अरे यार सुना है बगल वाले शहर में कार रेसिंग का कंपटीशन होने वाला है, क्यों ना तू उसमें भाग ले ले, जीतने वाले को 1 करोड़ मिलेंगे, तेरी किस्मत पलट सकती है, कोशिश करने में क्या जाता है, कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही होगा, चल अब मैं चलता हूँ। बहुत सोचने के बाद रितेश सोचता है, आशीष ठीक ही कह रहा है, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। रितेश इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे शादी का पंडाल दिखाई पड़ता है और वो सोचता है, बांस से अगर पंडाल बन सकता है तो कार भी बन सकती है, क्यों ना मैं बांस की कार बनाऊं, खर्च भी कम पड़ेगा इसमें। रितेश अपने घर वापस जाता है और अपनी पसंदीदा बाइक जो कि उसे उसके दादा ने उसके जन्मदिन पर दी थी उसे बेच देता है, और साथ ही में छोटे मोटे कुछ सामान जो भी उसके पास थे सब बेचकर पैसे जमा करता है। अगर मैं किसी दुकान में बांस खरीदने गया तो मैं लूट जाऊंगा, इससे अच्छा होगा कि किसी किसान के पास जाऊं, वो मुझे कम में भी देगा और मेरी मजबूरी भी समझेगा। रितेश अपने गांव के एक किसान के घर में जाता है और उससे कहता है, काका मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे अपनी कार बनाने के लिए बांस की जरूरत है, मेरे पास जितने पैसे थे मैं सब ले आया हूँ। बेटा इतने में तो मेरी लागत के पैसे ही निकलेंगे, तू ही बता इतनी मेहनत करके मैं कुछ ना कमाऊं, इस फसल से मुझे बहुत उम्मीद है, पैसे जमा करके मैं अपना ये घर ठीक करवाना चाहता हूँ। काका मैं बहुत मुसीबत में हूँ, किसान तो सबकी मदद करते हैं, मेरा काम हो गया तो मैं अपनी जीत की कमाई के 10% आपको दे दूंगा, आप बस मेरी मदद कीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है बेटा, किसी की जिंदगी से बढ़कर जरूरी नहीं है मेरा घर बनाना। किशन रितेश को बांस दे देता है और रितेश दिन रात एक करके अपनी कार तैयार कर लेता है और आशीष को कार दिखाने बुलाता है। जो ये दिमाग किसने दिया रितेश, कार तो तूने बहुत अच्छी बनाई है, सबसे अलग दिखाई देगी ये बांस की कार। हाँ भाई लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ सब एक से एक धुरंधर आएंगे और मैं नौसिखिया।
अरे उससे क्या होता है, देख लेना इस बार तू ही जीतेगा, अपनी कार में मुझे घुमाएगा नहीं। आशीष और रितेश कार से घूमने निकलते हैं। अरे भाई ये कार तो बहुत ही धीरे चलती है, उन विदेशी कारों की बराबरी कैसे कर पाएगी, अब मैं क्या करूँ। क्यों ना हम इसके इंजन में सिलेंडर लगा दें, तो ये बहुत तेज चलने लगेगी। आशीष अपने घर से सिलेंडर ले आता है और कार में लगा देता है। अब ये बांस की कार हवा से बातें करने लगती है। प्रतियोगिता का दिन आता है, आशीष और रितेश शहर के लिए निकल जाते हैं। उधर मीनू भी चुपके से रितेश को भाग लेते हुए देखने पहुंच जाती है, जहां सभी लोग बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों के साथ रेस में खड़े होते हैं। वहीं रितेश अपनी छोटी सी बांस की कार के साथ खड़ा होता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दूसरे भागीदार रितेश का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये क्या खिलौना लेकर आ गया है, ये तो दो कदम भी नहीं चलेगी। तू क्या अपना मजाक बनाने आया है, अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। ये सब सुनकर रितेश का मुंह लटक जाता है और वो मायूस हो जाता है। दोस्त हिम्मत मत हारना, भले ही हमारी कार छोटी है लेकिन इसमें जीत तेरी ही होगी। भीड़ में से मीनू की आवाज आती है और वो कहती है, बेस्ट ऑफ लक माय लव। मीनू की आवाज सुनकर रितेश को हौसला आ जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है, रितेश की कार हवा से बातें करने लगती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी कारों को पीछे छोड़ रितेश रेस जीत जाता है और 1 करोड़ का इनाम जीत करोड़पति बन जाता है। आशीष और रितेश के साथ साथ मीनू भी खुशी से पागल हो जाती है। रितेश अब बिना देरी किए तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। मेरी जीत का श्रेय काका को जाता है, जिसने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। रितेश किसान के पास जाकर उसे अपनी जीत के 10% देकर उसका आशीर्वाद लेता है और मीनू के घर आ जाता है। उसका हाथ उसके पिता से मांगता है और दोनों की शादी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।